भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री किसी ना किसी कारणों से सुर्खियों में बनी रहती है। अब हाल ही में भोजपुरी एक्ट्रेस प्रियांशु सिंह ने अपने एक को-स्टार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि प्रियांशु ने एक्टर पुनीत सिंह पर रेप का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने पुनीत सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। प्रियांशु का दावा है कि पुनीत ने उनके साथ अननेचुरल कार्य और दुर्व्यवहार किया है। आपको बता दें कि पुनीत और प्रियांशु ने एक म्यूजिक वीडियो में साथ काम किया है। उनका ये म्यूजिक वीडियो खूब चर्चा में भी रहा। प्रियांशु ने पुनीत के बारे में मीडिया हाउस से बातचीत की और उन्होंने बताया कि पुनीत से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई। तब मैं इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही थी, हमारे बीच बातचीत शुरू हुई और उसने मुझसे काफी अच्छे से बात की और जब मैं अपने करियर में अच्छा काम भी कर रही थी। उन्होंने बातचीत की और शुरुआत में मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी किया क्योंकि वह फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते थे। मैंने अपने संपर्कों के जरिए उसे काम दिलाने में उसकी मदद। दिन बीतते गए और वह पूरी तरह से मेरे भरोसे का मालिक बन गया। वह हमेशा बोलता था कि वह मुझसे शादी करेगा। कुछ समय बाद उसने मेरे घर भी आना जाना शुरू कर दिया था। वह वास्तव में मेरे आसपास ही रहने लगा। इतना ही नहीं, फिर वो मेरे घर के पास भी शिफ्ट हो गया। इसके बाद उसका मेरे घर आना जाना और बढ़ गया। वह इसलिए क्योंकि उसे इंडस्ट्री में अपनी एंट्री लेनी थी। उसने मेरे कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल भी किया। उसने मुझसे शादी करने की बात कही। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि एक दिन जब मैं बिल्कुल अकेली थी, वह अचानक शराब के नशे में मेरे घर आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। अगली सुबह जब उसे होश आया तो मैं रोई और उसे पिछली रात और जबरदस्ती की हरकतों के बारे में बताया। मैंने उसे चेतावनी भी दी कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। वह रोया और मुझसे माफी मांगी और उसने मुझे यह कहकर विश्वास दिलाया कि वह अपने परिवार को मना लेने के बाद जल्द ही मुझसे शादी कर ले। लेकिन उसने एक बार फिर वही किया। उसने फिर से मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे वो सब चीजें करने पर मजबूर किया जो मैं नहीं करना चाहती। एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि कोई भी लड़का या लड़की ये नहीं बताना चाहेगा कि उसका रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब कुछ बाहर आए, मुझे इंसाफ मिले और पुनीत को जल्द से जल्द सजा हो। उन्होंने कहा कि वो पुनीत से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहते। जानकारी के मुताबिक पुनीत पुलिस की कस्टडी में है और आपको बता दें कि भोजपुरी एक्ट्रेस ने 29 अगस्त 2023 को पुलिस स्टेशन में पुनीत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।